नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार कहानियों के कारवा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं टीएस आर्थर की लिखी कहानी एन एंजल इन डिसगाइज। तो चलिए शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम मैगी है। मैं अपनी माँ और अपने बड़े भाई बहन जॉन और केट के साथ एक गांव में रहती हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। हम लोग एक कच्चे मकान में रहा करते थे। माँ को हमारे पालन पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हमें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। गांव के लोग मेरी माँ से ईर्ष्या करते थे। हम लोग बेहद गरीब थे। गांव वालों को हम पर जरा भी ख्याल नहीं आया। आखिर ये गांव वाले हमसे क्यों जलते हैं? एक सवेरे अचानक मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरी माँ अभी तक सोई हुई है। रोजाना वह जल्दी उठ जाती थी, पर आज इतनी देर। मैंने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तभी मैंने अपने भाई जॉन और अपनी बहन कैट को उठाया और कहा, देखो तो माँ उठी नहीं रही। काफी शोर शराबा होने के कारण गांव वाले हमारे घर के सामने खड़े हो गए। अगले दिन सुबह कई लोग हमें गोद लेने के लिए आए। इनमें से किसी एक का नाम जोन्स था, जो कि एक किसान थे। उन्हें एक लड़के की आवश्यकता थी जो कि उनके काम में सहायता कर सके। मेरे बड़े भाई जॉन को वह किसान अपने घर ले गए। अब सिर्फ मैं और मेरी बहन केट ही घर पर थे। तभी अचानक एक महिला आई। उनका नाम मिसेस एलिस था। उन्हें एक नौकरानी की जरूरत थी। मिसेस एलिस मेरी बहन केट को लेकर वहां से चली गई। मैं बेसहारा हो गई थी। मिसेस एलिस भला मुझे क्यों ले जाती, क्योंकि मैं तो एक अपाहिज थी। मेरा ज्यादातर समय बिस्तर पर ही गुजर रहा था। 2 साल पहले मैं एक खिड़की से गिर गई थी और चोट इतनी लग गई थी कि मेरे कमर की हड्डी टूट गई थी, जिसके चलते मैं अपाहिज हो गई। मुझे पता था कि मेरी दुर्बलता के कारण कोई भी मुझे गोद नहीं लेगा। फिर गांव वालों ने काफी सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि अगर कल तक कोई भी मैगी को गोद नहीं लेगा तो हम उसे ऑर्फिनेज में भेज देंगे, जहां पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। मिस्टर जोन्स और मिसेस एलिस दोनों ही स्वार्थी और मतलबी थे। उन्हें मुझसे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उन दोनों ने जॉन और केट को चुना। मेरा दिल मुझसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था, क्योंकि मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है। मैं जो थॉमसन, गांव के पास छोटा सा मेरा एक दुकान है। मैं गाड़ियां रिपेयर करता हूँ। मैंने गांव वाले से सुना था कि एक गरीब महिला किसी बीमारी के कारण अपने 3 बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों से मिला जाए और कुछ भेंट दी जाए। जैसे ही मैंने उस घर में प्रवेश किया, मेरा दिल भर आया। उसकी मासूमियत, भोला सा चेहरा, आंखों में एक अजीब सी कशिश, मानो मुझसे कुछ कह रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो। आपको पता है वह लड़की कौन थी? हाँ, मैगी, यही नाम बताया था उसने। मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनका भोलापन मुझे मोह लेता है। मैंने मैगी को अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए और कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर नन्ही परी। जैसे ही मैंने उसे गोद में उठाया, मानो ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इसे जानता हूँ। मैं मैगी को अपने घर ले आया। जब मैंने अपनी पत्नी जेन को मैगी के बारे में बताया तो वह गुस्सा हो गई और कहने लगी कि भला ऐसा कौन करता है, कोई किसी को अपने घर कौन लाता है। मैंने बताया कि मैं उसे एक दिन के लिए लाया हूँ।
कल सुबह मैं उसे ऑर्फिनेज में छोड़ दूंगा, जहां उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उस दिन मेरे चेहरे में मुस्कुराहट भी थी और उदासी भी। मैगी को जब भी मैं देखता था तो मेरा दिल भर आता था, पर दुख तो इस बात का होता था कि इसकी माँ इसे क्यों छोड़कर चली गई। मैंने सोचा कि मैं इसे अपने पास अपने घर में रखूंगा और इसकी पालन पोषण भी मैं करूंगा, लेकिन इस बात से मेरी पत्नी जेन बिल्कुल खुश नहीं होगी, लेकिन मैं मना लूंगा उसे। मेरी पत्नी जेन को भी धीरे धीरे मैगी के साथ लगाव होने लगा। वह मैगी को एक माँ की तरह प्यार करने लगी। मैगी की मासूमियत सभी के मन को मोह लेती थी। समय बीतता गया और हमने मैगी को ऑर्फनेज भेजने के बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। हम चाइल्डलेस कपल के जीवन को मैगी ने खुशियां से भर दिया। अब मैगी सिर्फ हमारे जीवन में एक बेटी की तरह ही नहीं, बल्कि एक परी के रूप में आई है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल रियल फैक्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।